जय हिंद साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बरघाट के निकट स्थित एक और पहाड़ी जिसे कहते हैं मोहगांव की पहाड़ी। और यहाँ पर घंटा पाठ बाबा के नाम से एक देव स्थान है, जहाँ पर स्थानीय निवासी पूजन दर्शन के लिए आते हैं। पहले मैं आपको इस पहाड़ी का विहंगम दृश्य बाहर से दिखाता हूँ। काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई यह पहाड़ी विभिन्न प्रकार की विशाल काय चट्टानों और विविध प्रकार की वनस्पति के लिए जानी जाती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ वन्य प्राणियों को भी देखा गया है। यह जो सड़क आप देख रहे हैं, बरघाट से बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम घीसी से होते हुए जब हम मानेगांव की ओर आते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई यह सड़क हमें इस घंटापाठ बाबा के स्थान पर पहुंचाती है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। चलिए अब हम आपको घंटापाठ बाबा के दर्शन कराते हैं, साथ ही इस पहाड़ी के ऊपर से आसपास का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है इस दृश्य का भी अवलोकन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर्यटन प्रेमी और श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बना रहता है। यद्यपि लोगों की जानकारी में कम होने के कारण पर्यटक कम आते हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं या क्षेत्रवासी हैं अक्सर यहाँ पर घंटापाठ बाबा के पास दर्शन पूजन के लिए आते हैं। अब यहाँ पर इस तरह सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि एक और ऊंची चट्टाने और दूसरी तरफ ये झाड़ियां, और यह आप ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहे हैं। चट्टानों पर उगा हुआ यह पेड़, और आप ये देख रहे हैं कि विशाल आकार की चट्टान यहाँ। जैव विविधता की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही अच्छा है। विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। पूरी तरह चट्टानों पर उगा हुआ यह पेड़, और यहां से दिखाई देने वाला यह विहंगम दृश्य। और अब हम आ गए हैं पहाड़ी के ऊपर घंटापाठ बाबा, और यह पहाड़ी के ऊपर से दिखाई देने वाला ग्राम, यह जो ग्राम आप देख रहे हैं यह मोहगांव है। और इसी गांव के नाम के आधार पर इसे मोहगांव की पहाड़ी कहा जाता है। और इस ओर जो आप देख रहे हैं यह है ग्राम घीसी। घीसी और मोहगांव के बीच में स्थित यह पहाड़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जो श्रद्धालु यहां आते हैं यहां पर भोजन बना सकें, इसलिए यह शेड बनाया गया है। और यहां पर यह घंटापाठ बाबा भगवान शिव का निवास, और इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजित हैं, और क्षेत्रवासी इन्हें ही घंटापाठ बाबा के नाम से बुलाते हैं। जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान भोलेनाथ।
और ऊपर से आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाएं, यहाँ पर वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल है और यहाँ पर आप विभिन्न स्थानों पर देखेंगे कि इस तरह चट्टानों पर पेड़ उगे हुए हैं। चट्टानों पर कैसे उग गए? ये देखिए बरगद का पेड़ जो कि चट्टान पर उगा हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजा भोज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है इस वृक्ष के नीचे। परमार वंश के प्रतापी राजा भोज। गांव के निकट वन भ्रमण का आनंद लेने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान। और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, आपने बैलेंसिंग रॉक के बारे में सुना होगा जो जबलपुर के निकट है। यहाँ पर यह चट्टान भी आप देखें कि इसका आधार जो है ये बहुत ही एक छोटी जगह है और ऊपर देखें आप किस तरह से छोटे छोटे से आधार पर इतनी विशाल आकार की ये चट्टान रखी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चट्टानें यहाँ आपको देखने मिल जाएंगी। इस तरह की जो प्राकृतिक गुफाएं यहाँ पर हैं, ये गुफाएं वन्य प्राणियों के लिए आश्रय स्थल का काम करती हैं, इसीलिए यहाँ पर वन्य प्राणी भी यदा कदा दिखाई दे जाते हैं। ऐसी गुफाएं यहाँ आपको अनेक जगह दिखाई देंगी। पहाड़ी से नीचे कुछ जंगल हैं, क्योंकि गांव के निकट है इसलिए घने नहीं हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य ये आप देख रहे हैं। बहुत दूर धान के खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और ये बैलेंसिंग रॉक, विशाल आकार की चट्टान छोटे आधार पर रखी हुई है और सैकड़ों साल से इसी तरह एक सी स्थिति में। कई बार सिवनी ज़िले में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, लेकिन तब भी ये चट्टानें अपने स्थान से हिली नहीं हैं। और अभी तक आपने जो चट्टानें देखी हैं बैलेंसिंग रॉक, आप देखें कि सबसे छोटा जो धरातल है इस चट्टान का है। ये आप देखें, मध्य प्रदेश का एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिला है सिवनी। सिवनी जिले में इस तरह अनेक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं जो लोगों की जानकारी के अभाव में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप देखें कि प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन का नमूना। मुश्किल से 1.5 फीट के आधार पर इतनी विशाल आकार की चट्टान, जिसका व्यास मुझे लगता है कि कम से कम 15 फीट है, धूप गर्मी बरसात सभी मौसम में इस तरह से स्थिर है, अचरज की बात है। ट्रैकिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए बरघाट नगर के और सिवनी नगर के निकट स्थित यह स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर लाने के लिए तथा पिकनिक मनाने के लिए। बढ़िया साफ सुथरी एकांत जगह। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मैं ऊपर तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन ये जो चोटी है ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। मेरे लिए वहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। और यहां से चारों तरफ का विहंगम दृश्य। तो साथियों, आशा है आज के इस वीडियो में घीसी तथा मोहगांव के बीच स्थित
यह पहाड़ी जिसे स्थानीय लोग दौड़ी पहाड़ भी कहते हैं तथा घंटापाट बाबा के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ी का अवलोकन आपको हमने कराया। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।